ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मछली पालन की कहानी, मछली रानी की जुबानी। यहाँ की मछलियाँ कितनी स्वस्थ हैं, इनका घर भी कितना अच्छा है। चले इनसे इसका कारण पूछें क्या? चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। चुप चुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये, पहली मुलाकात है। मैं तुम्हें स्वस्थ दिखती हूँ तो मुझे स्वस्थी कहकर पुकार सकती हो। कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, कुछ पूछना है तुम्हें? आप स्वस्थ हैं तो आपका नाम हुआ स्वस्थी। मैं पतली हूँ तो मेरा नाम रख दो पतली। यहाँ तो सब लोग बहुत स्वस्थ, सुडौल और खुश हैं। तुम क्या इसका कारण बता सकती हो? सुनो बहन, पहले यहाँ भी लोग तुम्हारी तरह पतले और दुखी थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। कैसे? ऐसा इस तरह से हुआ, जब से इस घर का मालिक मछली पालन सीख कर आया, तब से यहाँ के लोगों के हालात सुधरने लगे। मछली पालन? हाँ, मछली पालन। ध्यान से देखो, हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त भोजन और स्वच्छ आवास चाहिए, और ये यहाँ उपलब्ध है। देखो यहाँ आसपास कितने सारे भोजन उपलब्ध हैं। स्वच्छ आवास और भोजन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है प्राणवायु। प्राणवायु के बगैर तो जीना कठिन है, पल दो पल में ही मृत्यु हो जाती है। जानती हो, इस घर का मालिक इसको स्वच्छ रखने के लिए और भोजन व्यवस्था ठीक रखने के लिए रोजाना एक निश्चित मात्रा में खाद को पानी में घोलकर छिड़काव करता है। अच्छा। इनसे छोटी वनस्पतियों का उत्पादन होता है। ये हमारे शाकाहारी भोजन के काम आती है, तथा इन्हीं को खाकर मांसाहारी भोजन पलता बढ़ता है। और तो और, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन्हीं वनस्पतियों से पानी में प्राण वायु बनती है, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। बहन क्या बताऊं, हमारे यहाँ तो भोजन के लाले पड़े रहते हैं, कई दिन भूखे ही रहना पड़ता है। पर हमारे घर में भी वनस्पतियाँ बहुत हैं, पर हाँ काफी बड़ी बड़ी, इनसे भी तो भोजन या प्राणवायु बन सकती है। तुम ठीक कह रही हो, छोटी वनस्पतियों की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश काफी गहराई तक पहुंच पाता है, जिससे पानी में भोजन अधिक भाग में बनता है। पानी के बड़े पेड़ पौधे तो सूर्य के प्रकाश को अंदर आने ही नहीं देते, जिससे भोजन ही नहीं बन पाएगा। अरे हमारे घर में तो वैसे भी धूप नहीं आती है, किनारे पर बड़े बड़े पेड़ जो लगे हैं। अरे हाँ, एक चीज तो भूल ही गई, हमारे घर में तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हम छोटों को तो कच्चे ही खा जाते हैं। अरे ये कौन लोग हैं? अपनी तरह के भी हैं, पर पूरे मांसाहारी हैं। कुछ अन्य भी हैं। हमारे मालिक तो घर से इनका पूरा सफाया करने के बाद ही हमें रखते हैं। राम भाई, आप कैसे मछली पालन करते हो, हमें भी तो बताइए। अरे भाई श्याम, मछली पालन भी धान की खेती जैसा ही होता है। हम लोग तो धान की खेती करते हैं, बताओ इसमें क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश, पानी, बीज और खाद। ठीक, मछली पालन में भी इन्हीं सारी चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? भाई धान की खेती में बीज डालने से पहले किसान जमीन की जुताई करता है, वैसे ही मछली पालन के लिए तालाब जिसका पानी नहीं सूखता, उसकी वनस्पतियों तथा मछलियों को निकाल देना चाहिए। हाँ, अब समझा। धान की खेती और मछली पालन में भी असमानता है। वो कैसे?
धान की खेती पर शीतकाल में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, वहीं शीतकाल में मछली की वृद्धि नहीं होती है। तो एक काम किया जा सकता है, हमें इस दौरान ही तालाब की तैयारी का काम पूरा कर लेना चाहिए। ये हुई ना समझदारी की बात। आज तो मैं इतना उत्साहित हूँ कि मैं सोचता हूँ मैं भी मछली पालन का कारोबार शुरू कर दूँ। क्यों नहीं, पर पहले इसे बारीकी से समझ लो। जी। और हाँ, मछली की वृद्धि के लिए परभक्षी और अनचाही मछलियों को पूरी तरह निकाल देना चाहिए। क्यों और कैसे? भाई, ऐसी अनचाही मछलियां तो पालने वाली मछलियों को खा लेती हैं, तथा भोजन और प्राण वायु का अधिक हिस्सा चट कर जाती हैं। जरा विस्तार से बताओ। पहले तालाब के पानी को निकालना चाहिए, उसके बाद तालाब की गीली मिट्टी में चूने का छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रहे, चूने की मात्रा 200 से 250 किलो प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। फिर तालाब में महुआ की खली या ब्लीचिंग पाउडर डालने से सभी मछलियां मर जाती हैं। महुआ की खली 2000 से 2500 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर, अथवा ब्लीचिंग पाउडर 200 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की दर से डालने से कुछ समय बाद मछलियां मर जाती हैं। महुआ खली के प्रयोग के 15 से 20 दिन बाद पानी की विषाक्तता समाप्त हो जाती है और ये खाद के काम आती है। मछली बीज को फिर तालाब में डालना चाहिए, लेकिन कैसे? बीज डालने के पहले तालाब में मछली की भोजन व्यवस्था करनी पड़ती है। अच्छा। इसके लिए तालाब में बीज डालने के 30 दिन पहले 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से धैंचा बो देना चाहिए। फिर तालाब में पानी भरना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद धैंचा सड़कर खाद बन जाता है। ये तो बहुत ही आसान रास्ता है। खाद के प्रयोग से पानी में सूक्ष्म जलीय वनस्पति या वनस्पति प्लावक और जंतु प्लावक के अलावा बैक्टीरिया का समूह उत्पन्न होता है, जिन्हें मछलियां भोजन के रूप में खाती हैं। धान में खाद का प्रयोग होता है, तो क्या मछली पालन में भी खाद डालनी चाहिए? हाँ, सुनो, गोबर की खाद, यूरिया, सुपरफॉस्फेट तथा पोटाश को पानी में घोलने से तैयार होता है ये खाद। अच्छा। तालाब में बीज डालने के 7 दिन पहले इसे छिड़का जाता है। 0.1 हेक्टेयर के तालाब के लिए 30 टोकरी गोबर, 30 अंजुलि सुपरफॉस्फेट और यूरिया और 30 चुटकी पोटाश एक साथ पानी में मिलाकर घोल बनाते हैं। हाँ, अगर धैंचा या महुआ का प्रयोग किया गया है तो इस घोल को डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। मछली के बच्चे डालने के बाद भी ये छिड़काव करना पड़ता है। मछली के बच्चे डालने के बाद 1 टोकरी गोबर, 1 अंजुलि सुपरफॉस्फेट और 2 मुट्ठी यूरिया और 1 चुटकी पोटाश पड़ता है। अच्छा। इससे तालाब में निरंतर भोजन उत्पन्न होता रहता है। पानी का रंग अधिक हरा होने पर खाद डालना बंद करना चाहिए। क्या छिड़काव करना जरूरी है? हाँ, लेकिन छिड़काव कहाँ करें? तालाब के पानी की सतह पर। तालाब के पानी की सतह पर छिड़काव करने से पानी में मछलियों का भोजन तैयार हो जाता है और मछलियों के लिए जैविक आहार का निरंतर उत्पादन होता रहता है। पानी में प्राण वायु की मात्रा ठीक रहती है। अगर हम बिना घोले खाद डालें तो वो पानी के नीचे जम जाती है और कई नुकसान कर सकती है। नुकसान? कैसा? पानी के तल में कई पौधे होते हैं। अच्छा। अगर खाद सीधे उन पौधों को मिले तो वो बड़े हो जाते हैं और सूर्य की रोशनी को तालाब के अंदर आने से रोक सकते हैं। साथ ही पौष्टिक तत्व जो जल के विभिन्न स्तरों पर पाए जाते हैं उन्हें बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा। ये पौष्टिक तत्व मछलियों के पालन में सहायक होंगे। सूक्ष्म जलीय वनस्पतियों की फसल से मछलियों को एक तरफ ऑक्सीजन या प्राण वायु मिलती है और दूसरी तरफ ये उनका भोजन भी है।
इन सूक्ष्म वनस्पतियों को जल में रहने वाले सूक्ष्म कीट भी खाते हैं। अच्छा, ऐसे सूक्ष्म जलीय कीट भी मछलियों के लिए अति पुष्टिकारक भोजन है। ये तो रही खाद की बात, पर ये तो बताएं कि किस तरह की मछलियों का पालन करना चाहिए। भाई, तालाबों में देसी मछलियां जैसे कतला, रोहू तथा मृगल पाली जाती है जी। इनके अलावा विदेशी बड़ी मछली जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प भी इसके साथ ही पाल सकते हैं। अच्छा, धान में बीज डालने के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही मछली पालन में भी बीज डालने के कुछ नियम होंगे। हाँ, सुबह के समय मत्स्य बीज को कपड़े की जाली से छानकर जाली सहित 2-3% नमक के घोल में कुछ क्षण तक डुबा देते हैं। अच्छा, ध्यान रहे नमक के घोल में मछली बेहोश होने के पहले उसे तालाब में डाल देना चाहिए। अच्छा, विलंब होने पर मछली के बीज मर सकते हैं। नमक के घोल में डालने से बहुत परजीवी मर जाते हैं, जिससे मछली को बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। नमक के घोल में रखने से मछली तनाव मुक्त हो जाती है और मछली बीज के साथ दूसरे स्थान से आई बीमारी को आने से रोकती है। अच्छा, किस आकार की मछली और कितनी मछली डालनी चाहिए? कार्प मछली 50 से 100 ग्राम वजन की होनी चाहिए। एक हेक्टेयर तालाब में 3000 से 4000 बीज डालने चाहिए। जरा ये तो बता दीजिए, मछली पालन के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ध्यान रहे अधिक हरा पानी विकसित होने पर खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लगातार कई दिन घने बादल या कोहरा रहने पर भी तालाब में खाद का प्रयोग बंद कर देना चाहिए जी। महीने में मछलियों की वृद्धि एवं उनके स्वास्थ्य की जांच करना चाहिए। बीज जितना पुराना होगा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं वृद्धि भी उतनी ही अधिक होगी। तालाब में से मरी हुई मछली को तुरंत फेंक देना चाहिए। अच्छा, नहीं तो एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को सड़ा देती है। साथ ही बीमार, सुस्त, दागयुक्त, विकृत तैरने वाली, ढीली चमड़ी वाली और सड़े पंखों वाली मछलियों को तुरंत निकाल देना चाहिए। तालाब की तली को भी महीने में एक बार कुरेदने की आवश्यकता है। हाँ, अब समझा। इस तरह से मछली पालने से 2500 से 3000 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन किया जा सकता है। इससे भी अधिक उत्पादन करने के लिए मछली को समतुल्य भोजन देना आवश्यक है। अब बताता हूँ कौन सा भोजन। इसके लिए चावल का चूरा एवं मूंगफली की खली 1:1 के अनुपात में 2-3% मत्स्य शारीरिक भार के हिसाब से देना चाहिए। इससे 4000 से 5000 किलो प्रति हेक्टेयर मछली का उत्पादन कर सकते हैं। अधिक लाभ कमाने हेतु मछलियों को बेचने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अच्छा, वो कैसे? बड़ी मछली बाजार में बेचने से दूसरी छोटी मछलियों को बढ़ने की जगह मिलती है। मत्स्य निकासी का निर्णय बाजार की मांग एवं कीमत के आधार पर होना चाहिए। अच्छा, देखो अगर बाजार में बड़ी मछली की मांग है तो बीज कम डालना चाहिए जी। अगर बाजार में छोटी मछली की मांग है तो बीज ज्यादा डालना चाहिए। उसी तरह अधिक मांग वाली मछली के बीज की वरीयता रखनी चाहिए जी। विशेष त्योहार आदि में मांग को ध्यान में रखना चाहिए। मत्स्य बीज की उपलब्धता को भी ध्यान में रखना चाहिए जी। मैं समझ गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। मछली पालन से बड़े आमदनी, खेत और जानवर को भी मिले पानी। तालाब सुखाओ, खरपतवार हटाओ, मारो परजीवी महुआ से। पानी भरो, बीज डालो, रोज बढ़ाओ खाद के छिड़काव से। बड़ी मछली चली बाजार,
घर पर आती लक्ष्मी हजार। इति श्री मत्स्य पालन कथा।